लखनऊ के बीकेटी में भाजपा के वरिष्ठ नेता व हिंदू युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मिश्रा ने 76 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन का समर्थन किया। तिरंगा महाराज द्वारा आयोजित धरना स्थल पर पहुंचकर खाद्य सामग्री भेंट करते हुए आदित्य मिश्रा ने कहा कि किसानों की जायज मांगों को सरकार पूरा करे व नीलांश वाटर पार्क के कब्जे से ग्राम समाज की जमीन मुक्त कराते हुए किसानों की जमीन फिर से किसानों को मुहैया कराए। आपको बता दें कि नीलांश वाटर पार्क के कब्जे से नदी की भूमि, ग्राम समाज की भूमि व किसानों की भूमि को मुक्त कराने सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर तिरंगा महाराज के नेतृत्व में किसान लगभग 2.5 महीने से धरना स्थल पर डटे हुए हैं। इस दौरान नीलांश वाटर पार्क की नपाई भी हुई, लेकिन किसान पक्षपात का आरोप लगाते हुए अभी भी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। उपजिलाधिकारी मलियाबाद की एक रिपोर्ट पर गौर करें तो नीलांश वाटर पार्क का मुख्य गेट नदी की जमीन पर बना हुआ है और नीलांश के कब्जे में ग्राम समाज का तालाब भी है। तिरंगा महाराज की माने तो नीलांश वाटर पार्क एक बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी बड़ी एजेंसी से अगर निष्पक्ष तरीके से जांच हो तो तमाम परदानशी बेपर्दा हो जाएंगे। वहीं आदित्य मिश्रा ने किसानों को धरना स्थल पर खाने पीने के सामान की कोई दिक्कत नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा किसानों को लगातार रसद मिलती रहेगी। घटनास्थल पर मौजूद विधवा महिला बीना देवी को जल्द ही ट्राईसाइकिल देने का वादा भी आदित्य मिश्रा ने किया। अब देखना यह है कि आखिर इस धरने का परिणाम क्या होगा। धरने के 76 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 6 सूत्रीय मांगों की स्थिति जस की तस है। आदित्य मिश्रा के साथ गणेशपुर प्रधान ललित अवस्थी, समाज सेवी आलोक द्विवेदी उपस्थित रहे। कुछ मांगे हैं जैसे कि बस स्टॉपेज का होना, बस स्टैंड का होना और नीलांश वाटर पार्क द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है किसानों की भूमियों का, नदी की भूमि का, माँ गोमा पे जो कब्जा किया गया है उसके विरोध में समस्याओं को लेकर यहाँ पे काफी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर मशहूर समाज सेवी आदित्य मिश्रा उर्फ 112 हेल्पलाइन ने अपना समर्थन सौंपा है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते क्या है उनका विजन, कैसे हैं। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये धरने का 76वां दिन है, आज यहाँ पे आप उपस्थित हुए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं, कुछ आपका विजन, आपका विचार? देखिए, यहाँ तक तिरंगा महाराज की मांगों की बात है, वो जायज और जनहित में मांग कर रहे हैं, तो मुझको लगा कि इनका समर्थन करना उचित है इनकी जायज मांगों के लिए। तो मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ अपने संगठन हिंदू युवा संघ के माध्यम से। और अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाए कि निरंकुशता में ना रहे। नीलांश वाटर पार्क की बहुत बार पैमाइश हो चुकी है, नाप हो चुकी है, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलता दिख नहीं रहा है और सूबे में बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो क्या कहना चाहते हैं उनसे, अपना विचार वहाँ तक पहुँचाने में कुछ बिंदु रखे? देखिए, अगर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है तभी यहाँ पर धरना है, या 76वां दिन है धरने का, तो उनकी जांचें, ऐसा नहीं है बाबा जी का ध्यान नहीं गया और ध्यान के लिए ही ये धरना है। जो उचित होगा और न्याय संगत होगा उसकी कार्रवाई जरूर होगी, इसका हमें विश्वास। मैं बात कर रहा था आदित्य मिश्रा उर्फ 112 हेल्पलाइन से, मशहूर है अपने प्रशंसकों के बीच में, अपने चहेतों के बीच में, कि 112 हेल्पलाइन से पहले वो पहुंच जाते हैं लोगों की मदद के लिए। आज धरने के 76वें दिन इन्होंने समर्थन दिया है तिरंगा महाराज के धरने को। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ पे विधवा महिलाएं बैठी हुई हैं लगातार यहाँ पे, किस तरह से ये लोग संकट की घड़ी में बैठे हुए हैं लगातार और भ्रष्ट प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। देखते हैं कि आगे क्या स्टैंड होगा प्रशासन का। तब तक के लिए नमस्कार, जन संदेश टाइम्स के लिए मैं ऋतुराज सिंह तोमर, बीकेटी से ऋतुराज सिंह तोमर, अंगारा की ग्राउंड रिपोर्ट।